जान, ना तुझे अपनी जान अजीज होगी ना किसी और की। वो रास्ता तुम लोग जन्नत में लेकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर हूँ 72 हॉरर का ऑफिशियल रिव्यू लेके। आप सब बता, रियल स्टोरी पे मूवी निर्धारित की गई है और आपको 72 हॉरर की एक कहानी इस मूवी में पता चलेगी कि 72 हॉरर होता क्या है। बट हम शुरुआत में एक शख्स को देखते हैं जो एक अहिंसावादी इंसान होता है जो दूसरों आदमी को गलत काम करने में मजबूर करता है और गलत गलत बोलता है और गलत आदमी को शिक्षा देता है। बट आप सब बता दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब है, चैनल नोटिस वीडियोस के लिए ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। देखते हैं कि कुछ तबाही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लाशें गिरी होती हैं और बहुत ज़्यादा आदमी को मतलब कत्ल हो चुके होते हैं एक तबाही पे। बट मैं आपको बता दूँ, जिस मस्जिद पे सारे को गलत काम सिखाता है उस मस्जिद पे एक शख्स होता है जिनका नाम रशीद नर्ज है। इसी में भोले इंसानों को फंसा फंसा के उनको गलत काम कराया जाता है। इस मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग को गुमराह करता है और कैसे तबाही के लिए बोला जाता है। इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा। बट आपसे बता दूँ, कुछ ऐसे सीन होंगे जिसमें आपको दिल भी दहकने वाले हैं इस मूवी में देख के। वैसे ही एक आम इंसान फंस के बुरा काम करता है। बट हमारे इसी मूवी पे एक पवन मल्होत्रा नाम के एक शख्स कास्ट पे दिखाए जाएंगे जो इसी चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा मासूमों की जान ले लेते हैं। इस मूवी में उन्हीं की कहानी ज़्यादातर दिखाई गई है जो उनके साथ गलत करवाए गए हैं और उनको स्वर्ग पे जाके पता चलता है कि उनके साथ धोखा किया गया है। कुछ लोग बताते हैं उनको, जो उनके साथ रहते हैं वही उनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये झूठ है सारा, ये बुरा काम है। इस मूवी पर वही दिखाया गया है। पवन मल्होत्रा के साथ एक और इंसान दिखाया गया जिसका नाम है अमीर बशीर, जो सारे चीज़ के बारे में बताता है पवन मल्होत्रा की कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और जहाँ पर बता रहा है वो सारे गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, ये गलत है, ये कुछ ऐसा नहीं होता है, मैंने भी ऐसा किया है। तो बोलते हैं पवन मल्होत्रा कि मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, मैं इतने लोगों को जान लिया हूँ, क्या वो सब जाया जाएगा। इस ट्रेलर में दिखाया गया है यही रियल स्टोरी कहानी है और क्या ये सच में हो, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। बट आपसे बता दूँ, 7 जुलाई को हो रही है मूवी रिलीज। भाई मूवी बहुत ही मज़ा आने वाली है क्योंकि जो केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद इतनी ज़्यादा तबाही मचाई, ये मूवी भी तबाही मचा सकती है सिनेमा हॉलों में। बहुत मज़ा आने वाला है भाई इस मूवी को देख के, क्योंकि इस मूवी के कुछ सीन आपको पुराने ज़माने के भी लगने वाले हैं। नर्क और स्वर्ग के बारे में इस मूवी में बताया जाएगा। इस मूवी में कुछ बैन भी लगाए गए हैं। मूवी रिलीज होने के बाद कैसे क्या होगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी और क्या हमारे पब्लिक क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में ये तो सिनेमा हॉल में घर में जाके ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, टेक केयर।